आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है? बेसिकली हम पढ़ते हैं फाइटोपैथोलॉजी। मीन्स इस प्रकार की पैथोलॉजी जिसका संबंध प्लांट से है। प्लांट के केस में तो उस की स्टडी करना ही फाइटोपैथोलॉजी इस कहलाता है। अब फाइटोपैथोलॉजी ये टर्म ग्रीक वर्ड का है, जो ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फाइटो मीन्स होता है प्लांट एंड पैथो, पैथो को ग्रीक में कहते हैं पैथोस, पैथोस। और पैथोस मीन्स होता है एलिमेंट, सफरिंग, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करता है, तो वो किसके अंदर आता है? पैथोस के अंदर, और उसको हम एलिमेंट भी कहते हैं। एलिमेंट भी कहते हैं और बोलते हैं डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग एजेंट एजेंट। और इस पैथोस को हम बेसिकली कहते हैं पैथोजन। ओके, देन द टर्म इज लोगी, पैथोलॉजी। लोजी इन द सेंस ग्रीक वर्ड में हम इसको कहते हैं लोगस, ग्रीक में कहते हैं लोगस। और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, नॉलेज प्राप्त करना। किसके बारे में? पैथोजन के बारे में। पैथोजन के बारे में नॉलेज प्राप्त करना लोगस कहलाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या? नॉलेज, नॉलेज बोलते हैं। डिस्कोर्स बोलते हैं, डिस्कोर्स बोलते हैं। तो ये सिंपल सा है कि फाइटोपैथोलॉजी क्या है, फाइटोपैथोलॉजी किस भाषा का शब्द है और इसका क्या क्या मतलब होता है। आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि फाइटो मीन्स होता है प्लांट, पैथोस मतलब होता है पैथोजन या कोई एलिमेंट जो डिजीज कॉज करता है, इसलिए इसको डिजीज कॉजिंग एजेंट भी कहते हैं। देन लोजी, लोजी को ग्रीक में कहते हैं लोगस, इसका मतलब होता है नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। ठीक है, अब फाइटोपैथोलॉजी है तो इसके कोई ना कोई फादर होंगे, तो फाइटोपैथोलॉजी के फादर हैं एंटोन डी बैरी। एंटोन डी बैरी, इनको कहते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सो हमें अब डिफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्लांट पैथोलॉजी आखिरकार होता क्या है। वैसे प्लांट पैथोलॉजी एक एग्रीकल्चर का ही एक सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर एक ब्रॉड सेंस है, उसी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी हम कह सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैथोजन, दे डिजीज कॉजेस, देयर इटियोलॉजी एंड दी मैनेजमेंट ऑफ ए डिजीज। दिस इज कॉल्ड एज फाइटोपैथोलॉजी। अब हम समझते हैं कि हमने हमें पता है कि फाइटोपैथोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि कोई पैथोजन है उसकी स्टडी करेंगे, फिर वो पैथोजन क्या डिजीज कर रहा है सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे? पैथोजन की हम स्टडी करेंगे, पैथोजन की। अब पैथोजन क्या डिजीज कर रहा है? ठीक है, पैथोजन क्या करेगा? डिजीज करेगा। ठीक है, अब ये डिजीज जो है ये कैसे होती है, कैसे सर्वाइव करता है, क्या इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, वो सब पढ़ते हैं हम एक इटियोलॉजी के अंदर। किसके अंदर? इटियोलॉजी के अंदर। और फिर उसके बाद हम लास्ट में करते हैं, पता है कि ऐसा सर्वाइव करता है, ऐसे इसको रोका जा सकता है,
तो उसका कहते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो इन सब चीजों को मिलकर हम प्लांट पैथोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो वैसे पता है प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसके फादर एंटोनी बेरी को कहते हैं, और फाइटोमत मीन्स होता है प्लांट, पैथोस मतलब होता है पैथोजन, लॉजी ग्रीक वर्ड में लोगस कहते हैं, इसका मतलब होता है क्या, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन। पैथोजन के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी क्या कहलाता है, कि क्या वो डिजीज करता है, कैसे डिजीज सर्वाइव करती है, और क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो ये एक शॉर्ट ऑफ हो गया डिफिनीशन प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, कि आपको समझ में आ जाए कि प्लांट पैथोलॉजी आखिरकार होता क्या है, क्या इसका यूज है, क्या मतलब है। तो अगर हमें पैथोलॉजी समझना है तो हमें ये पता होना चाहिए वाई पैथोलॉजी, हम पैथोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। पैथोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें हम पैथोन पढ़ते हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी पैथोजन डिजीज काज करता है, कभी कभी क्या होता है कि वो पैथोजन इतना विरुलेंट हो जाता है, इतना अग्रेसिव हो जाता है कि पूरी क्रॉप को ही खत्म कर देता है। तो इससे क्या होता है, क्या आ जाता है, फेमाइन आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं फेमाइन को, अकाल बोलते हैं। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। सबसे पहले एक फेमाइन आया था, अकाल आया था, जिसको बोलते हैं आयरिश फेमाइन। इस आयरिश फेमाइन में, आयरिश फेमाइन, आयरिश से साफ मतलब है आयरलैंड। कहां पर, आयरलैंड में, आयरलैंड में फेमाइन आया था, आयरिश फेमाइन। इसमें क्या हुआ था कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो, आप पछेती झुलसा सबने सुना होगा कि पछेती झुलसा एक डिजीज होती है जो कि जनवरी फरवरी साइड में आती है। तो ये इस पछेती झुलसा ने आयरलैंड में, आयरलैंड पटेटो की क्रॉप उस समय बहुत होती थी, इस सन था 1845, 1845 में आयरलैंड में आयरिश फेमाइन आया, जिसने क्या किया, उस पैथोजन ने क्या किया कि जो पूरी की पूरी पोटैटो की क्रॉप थी, उस पूरी की पूरी क्रॉप को आयरलैंड में खत्म कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि लगभग 20 लाख लोग, 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। अब जब ये 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और वो पैथोजन कौन सा था जिसे हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको ये डिजीज है, ये कौन करता है, एनी गैस, किसी ने कभी सुना हो कि पछेती झुलसा किससे होता है। जो पछेती झुलसा है लेट ब्लाइट ऑफ पटैटो किससे होता है, हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि एक होता है अर्ली ब्लाइट, जो कि अर्ली से ही समझ में आता है कि अल्टरनेरिया काज करता है, कौन करता है, अल्टरनेरिया। दो प्रकार की ब्लाइट्स होती हैं, एक होती है अर्ली ब्लाइट, और एक होती है लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट को कहते हैं अगेती झुलसा, और लेट ब्लाइट को कहते हैं पछेती झुलसा। अब अगेती झुलसा जो होता है वो एक फंगस है जिसको बोलते हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये डिजीज कॉज करता है अगेती झुलसा। सेम टू सेम वैसे होता है कि पछेरी झुलसा कौन करता है, वो होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस। क्या होता है, मैं लिख देता हूं ऊपर इसको, कहते हैं फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस, वो करता है लेट ब्लाइट। फाइटोफ थोरा इन्फेस्टांस, इस फंगस ने क्या किया,
इस ये फंगस है, इस फंगस ने क्या किया कि जो आयरलैंड की पूरी पोटैटो क्रॉप थी उसको खत्म कर दिया। अब आइडिया आप लगा सकते हैं कि आयरलैंड उस टाइम 1845 में डिपेंड करता था किसके ऊपर, पोटैटो की क्रॉप के ऊपर, इकोनॉमिक उसकी ग्रोथ उससे अच्छी होती थी, तो उससे डिपेंड 20 लाख लोग उसमें मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि एक पैथोजन का क्या इम्पोर्टेंस है किसी एक व्यक्ति की लाइफ से, हमारी लाइफ से क्या है। अगर पैथोजन आया आपकी क्रॉप के ऊपर अटैक किया और आपने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी की। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अपने इंडिया में एक एग्जाम्पल है, इंडिया में एक एग्जाम्पल है 1942 का, 1942 में एक आया था फेमाइन अकाल पड़ा था, उसे बोलते हैं बंगाल फेमाइन, जिसे बंगाल बंगाल फेमाइन बोलते हैं। 1942 में इसमें क्या था कि जो हम बंगाल में लोग धान की खेती करते हैं, तो ये जो फंगस है उसने जो वहां पर धान की क्रॉप थी उस पूरी धान की क्रॉप को खत्म कर दिया। उस पैथोजन का नाम था ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। इसका पैथोजन है हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी, हेल मिंथो स्पोरियम, हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी। ओराइजी क्यों है, क्योंकि जो धान है इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम अगर जानते हैं तो ओराइजा सेटाइवा है, तो उसी से ही ओराइजी जो स्पीसीज है ले लिया गया। और आप हमेशा जान के रखिए कि जो हम लिखते हैं हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी, ये क्या है, हेलमिंथो स्पोरियम क्या है जीनस है और ओराइजी क्या है स्पीसीज है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। अब इस ये क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था और किसने दिया था। वैसे आप समझ लीजिए कि जो क्लास लुइस एक साइंटिस्ट थे, लीनियस, कैरोलस लीनियस, उन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया था, नोमेनक्लेचर दिया था। और अब यहाँ पर आते हैं वापस बात पे, कि जो बंगाल में अकाल पड़ा था 1942 में धान की फसल पर, उस फंगस का क्या नाम था, उस फंगस का क्या नाम था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो कि काज जो इसका साइंटिफिक नेम है हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी। और ओराइजी मैंने आपको बताया है कि ओराइजी किस वजह से है, किस वजह से ओराइजी है, क्योंकि राइस का जो वैज्ञानिक नेम है ओराइजा सेटाइवा है, उसी से ही ओराइजी ले लिया गया। एक एग्जाम्पल और है कॉफी रस्ट का, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि जो कॉफी में एक रस्ट लगती है जिसे बोलते हैं हिमेलिया बेस्टाटिक्स, हिमेलिया बेस्टाटिक्स, 1940 में कॉफी रस्ट, 1940 में ये आया था श्रीलंका में, श्री लंका में कॉफी रस्ट आया था 1940 में। इसे काज करता है एक फंगस है, और फंगस कौन सी रस्ट है, वो करती क्या, हिमेलिया, हिमेलिया बेस्टाटिक्स, बेस्टाटिक्स ये क्या है, ये जीनस है, ये क्या है स्पीसीज है। और इन दोनों क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेन क्लेचर, बाइनोमियल नोमेन क्लेचर। और इसको एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। तो हम वापस बात करते हैं कि कॉफी रस्ट आया था श्रीलंका में, और श्रीलंका में 1940 में आया, यही कॉफी रस्ट इंडिया में, श्रीलंका से कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि कॉफी रस्ट जो इंडिया में आया
इंडिया में भी कॉफी बहुत जगह होती है। तो इंडिया में जहाँ कॉफी डस्ट आया, कहाँ से आया? ये श्रीलंका से आया। कब आया? 1940 में, क्योंकि उस समय क्या था, 1940 के आसपास कॉफी का प्रोडक्शन श्रीलंका का हब था। तो कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती थी? श्रीलंका में। श्रीलंका का नाम था उस समय 1940 में। तो वहां पर क्या हुआ कि जब कॉफी डस्ट आया तो वहां पर जो टी की क्रॉप थी, जो कॉफी की क्रॉप थी वहां पर, वो क्या हो गई? पूरी खत्म हो गई। अब डिमांड क्या थी? ज्यादा थी, सप्लाई हो नहीं पाई। तो क्या हुआ कि जो डिफरेंट भाग थे इंडिया में, वहाँ काफी उगाई जाने लगी। जब काफी वहाँ उगाई गई तो जो कॉफी का सीड था, तो बहुत सारे लोग यहाँ से लाए श्रीलंका से, उनको पता नहीं था कि ये दिक्कत है। तो वहीं से ही उसी के साथ कॉफी रस्ट कहाँ हुआ? अपने इंडिया में आया। कब माना जाता है? 1940 में, क्योंकि 1940 में ही कॉफी रस्ट आया हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है पैथोलॉजी की। हम पैथोजन पढ़ते हैं तो इसमें पैथोजन का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर में पैथोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें जो पैथोजन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। और पैथोजन सिर्फ फंगस ही नहीं है, बहुत कौन कौन से पैथोजन होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? कौन कौन से हैं? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स, फाइटोप्लाज्मा, माइको प्लाज्मा, और भी कुछ हो सकते हैं। फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, बायरॉइड्स, फाइटोप्लाज्मा, माइको प्लाज्मा, और आप जानते हैं पीपी येलो। सबसे विश्व की सबसे छोटी सेल पीपी येलो को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? पीपी येलो को। विश्व की सबसे छोटी सेल है पीपी येलो, और इसका जो साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पैथोजन होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, और ये डिजीज कॉज करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, जो फंगस बताया, कॉफी डस्ट बताया, हेलमिंथोस्पोरम वोराजी, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस बताया, एंड फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको हम पछेती झुलसा भी कहते हैं, वो सब कौन कर रही थी? ये फंगस कर रही थी। अब इसी फंगस की हम स्टडी करते हैं, तो हम वो फंगस की करेंगे, बैक्टीरिया ही करेंगे, वायरस करेंगे, वायरोइड्स करेंगे, सबकी स्टडी करेंगे। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पैथोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कि डायरेक्ट ही प्लांट में डिजीज करता है, जो क्रॉप हम लोग अक्सर किसान भाई उगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेमाइन की। तो बात कर ली जो पैथोजन हमारे लिए कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अब हम कुछ डिफिनीशंस हैं, जैसे फंजाई क्या होता है, फंगस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा इन सब के बारे में जान लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ने में। तो जैसे हमें पता है कि फंगस, हमने नाम लिया फंगस का, क्या है फंगस? हमको ये पता है कि ये कोई पैथोजन होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो सकता है, क्योंकि फंगस हमारे पास बहुत सारी फंगस हैं जो हमारे पास बेनिफिशियल हैं, बहुत सारी हैं जो हार्मफुल हैं। जैसे कि फंगस, हमको पता है फंगस, आपने कभी ब्रेड रोटी है, रोटी के ऊपर फंगस लगी होती है, देखे ना कि फफूंद लग गई हो। हम वास्तव में क्या कहते हैं? फफूंद कहते हैं। कहते हैं फफूंद लग गई है, बेकार हो गई है कि नहीं? अगर उसी उसी ब्रेड को, रोटी को, अगर हम सही टेम्परेचर देते हैं तो ये फंगस नहीं लग पाती है। तो उसी फंगस को हम और डिफाइन करें कि वास्तव में फंगस है क्या। तो फंगस, एक फंगस में कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता। प्लांट में क्लोरोफिल होता है लेकिन फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है। जब हमें पता है कि फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है तो कैसी होती है? ए क्लोरोफिलस कहलाती है। कैसी कहलाती है? ए क्लोरो फिलस कहलाती है। अब हमें पता है, हमें जानना बहुत जरूरी है, आप हमने पढ़ा होगा कि एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल होती है और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल।
एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? तो वैसे मैं आपको बता दूं कि फंगस जो है यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है और मल्टी सेल्यूलर सेल है, मल्टी सेल्यूलर है। हम यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें कि जो सेल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, पूरा बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो वो अभी हम जब सेल के बारे में पढ़ेंगे, फंगस की सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की सेल के बारे में पढ़ेंगे, बायरॉइड, विरियोन, इन सब की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आपको अच्छे से बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। अभी जानेंगे कि यूकैरियोटिक सेल होती है क्या? फंगस। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो वेल डेवलप्ड सेल होती है। अब फंगस भी रिप्रोडक्शन भी करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगी। फंगस कैसा रिप्रोडक्शन करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती। और अब फंगस की जो सेल वॉल है, फंगस की जो सेल वॉल है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, हिंदी में आज जहाँ तक मैं सही जा रहा हूँ, सेल वाल को कहते हैं क्या? कोशिका भित्ति। और जो सेल वाल होती है वो बनी होती है काइटिन की। इसकी जो हम लोगों की त्वचा तो है ना, डर्मिस जिसको बोलते हैं, ऐसे ही सब में सेल वाल होती है। कोई भी जीव हो उसमें सेल वाल होती है, जैसे कि प्लांट, प्लांट में सेल वाल होती है, प्लांट में सेल होती है, हर हर चीज में सेल होती है। तो उसकी जो सेल है फंगस की, काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। अब जो काइटिन और सेल्यूलोज है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ सेल वॉल ऑफ द फंगस विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी होती है। और कुछ ऐसी फंजाई है जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो हमारी फंगस है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए क्या कहलाती है? ए क्लोरोफिलस। और यूकैरियोटिक सेल्स होती, मतलब वेल डेवलप्ड सेल होती है और कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। दूसरी बात, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे प्लांट के केस में क्या होता है, आप प्लांट का सीड लेते हो तो क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, किसी का सीड से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट, ये प्लांट है, प्लांट में रूट्स होती है, स्टेम होता है और क्या होता है? ब्रांचेस होती हैं, फिर फ्लावर बनता है, सब कुछ होता है। तो उसी प्रकार जैसे हम सीड का प्रयोग करते हैं, सीड का, इसमें सीड का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। लेकिन जब हम प्लांट के किसी पार्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आपको बहुत एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे आप लोग रोज लाते हो गुलाब, उस गुलाब को आप लाते हो डंडी काट के लगा देते हो नीचे, ठीक है, फिर क्या कर जाता है? ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन में हम प्लांट के किसी पार्ट का प्रयोग करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे फ्लावर में सेक्सुअल पार्ट कौन होते हैं? मेल होता है, फीमेल होता है, एंडोशियम, गायनोशियम होता है। इसी प्रकार से फंगस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब इसमें न्यूक्लियस में बात पहुंचती है। ठीक है, तो ये हो गया फंगस। फंगस की सेल होती है यूकैरियोटिक सेल होती है, ए क्लोरोफिलस होती है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, सोमेटिक पार्ट्स होते हैं और वो सोमेटिक पार्ट्स एक सेल वाल से घिरे रहते हैं। वो सेल वाल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ऐसे ही हम जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया होता है
पहले बैक्टीरिया को प्लांट में रखा जाता था, लेकिन जब स्टडी हुई देखा गया कि बैक्टीरियल सेल्स और प्लांट सेल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे प्लांट सेल है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाती थी, प्लांट सेल थी यूकैरियोटिक। और जैसे कि अब आप कहेंगे प्लांट का केस क्या बैक्टीरिया से मतलब है, आपने नाम सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है इसको हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब जी ब्लू ग्रीन एल्गी है, पहले मानते थे कि ये यूकैरियोटिक में आती है क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, उसमें कुछ पिगमेंटेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसलिए तो ब्लू है, ग्रीन भी है। तो लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला कि जो बैक्टीरिया है वो अलग होते हैं और प्लांट अलग होते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल वो होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक इन द सेंस कि उसका जो न्यूक्लियस होगा, पहली बात तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका जो डीएनए होता है वो पूरी की पूरी सेल में, सेल के जो साइटोप्लाज्म है इसमें घूमता रहता है, तभी इसको बोलते, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है और सेल्स ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसको किस में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में रखा गया है इसको। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की भी सेल वाल किसी ना किसी चीज़ की बनी होगी, तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है, बैक्टीरिया की सेल वाल वो बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की, वो बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। और ये एक अनोखी सेल वाल है, ये सेल वाल किसी में भी नहीं पाई जाती है, केवल ही केवल बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। और बैक्टीरिया की जो सेल वाल है लिपोपोलीसेक्राइड्स की भी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड एंड लिपोपोलीसेक्राइड, लिपोपोलीसेक्राइड्स की भी बनी होती है। हम जानेंगे ना कि बैक्टीरिया वास्तव में क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जिसकी सेल वाल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अब ये पता हो गया, अब ये पता कि रिप्रोडक्शन भी तो पता करना है कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। बैक्टीरिया सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को और एसेक्सुअली भी करता है, लेकिन बैक्टीरिया ज़्यादातर मोस्टली 90% चांस होते हैं कि वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। कैसा करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मतलब प्रजनन करता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी वो प्रोसेस इस्तेमाल करता है, वो प्रोसेस इस्तेमाल करता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का। और मैं आप लोगों को ये आगे बताऊंगा कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन क्या होता है। अगर यहीं आप समझ लें तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है जब बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया की क्या है, एक ही बैक्टीरियल सेल है, और यह बैक्टीरियल सेल अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर ले, एक सेप्टा बना के, बीच में एक सेप्टा बने और क्या हो जाए, दो बाल वाले जो बीच में सेप्टा बना, दो सेल हो गए ना, ठीक है ना, बराबर। और कैसा, ट्रांसवर्स का मतलब होता है दो बराबर भागों में बटना, एक सेल का दो बराबर भागों में बटना क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। इसीलिए बैक्टीरिया मोस्टली किससे करता है रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कई गुना ज़्यादा सेल दो भागों में तोड़ सकता है, ठीक है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो तीन प्रोसेस द्वारा होता है, एक होता है कॉन्जुगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया तीन टाइप से करता है, तीन टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप से करता है, या कह सकते हैं कि तीन ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पहली है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। दूसरी है
ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरी होती है ट्रांसडक्शन, तीसरी होती है ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि बैक्टीरिया जो है, जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन प्रोसेस द्वारा होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। एंड इसमें जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया प्रिफर जो करता है मोस्टली, वो करता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, जिसको हम बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वायरस की। हमने फंगस पढ़ लिया जो कि यूकेरियोटिक था, एक क्लोरोफिलस था, रिप्रोड्यूस करती थी, सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती थी फंगस, और उसकी जो सेलवाल थी काइटिन या सेलुलोज की बनी होती थी। अब हम बात करेंगे वायरस की। वायरस, आपने कोरोना वायरस का तो नाम सुना ही होगा, कोरोना वायरस का नाम सुना सबने। जो कोरोना वायरस होता है, वास्तव में जो वायरस था उसने बड़ी तबाही मचाई। आपने कभी सुना होगा कि पैंडेमिक डिजीज है, जो कोविड है वो कैसा है, पैंडेमिक डिजीज है। पैंडेमिक का मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करे, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करे, तो ऐसी डिजीज को कहते हैं पैंडेमिक डिजीजेस, जैसे कि कोविड-19। कोविड-19 क्या है, ये एक डिजीज है, और कोविड क्या है, एक वायरस है। तो वास्तविक आपने सुना होगा कि आरएनए वैक्सीन बनी, तो आरएनए वैक्सीन बनी, फिर डीएनए वैक्सीन बनी, इससे वैक्सीन बनती है। तो वास्तव में वायरस कुछ नहीं, वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, इसलिए वायरस मोस्टली लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपो प्रोटीन होते हैं। असल में सॉरी, मैं गलती कर गया यहाँ पे। वायरस जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, मैंने आपको न्यूक्लियर ही बताया, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब आप जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या है, डीएनए है और आरएनए है, डीएनए है और आरएनए है। अब जो प्रोटीन का काम होता है वायरस में, वो काम होता है कोट प्रोवाइड करना, क्या, एक कोट प्रोवाइड करना, इसलिए जो कोट बना होता है वायरस में वो प्रोटीन का बना होता है, इसलिए उसको प्रोटीन कोट बोलते हैं। अब समझिए आप इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, आपको बना, ये एक है हमारा डीएनए, क्या है, डीएनए। अब इस डीएनए के ऊपर ऐसे करके, ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर एक आवरण होता है, एक आवरण होता है, वो आवरण प्रोटीन कोट कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोटीन कोट। ये हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ये हमारा क्या है, प्रोटीन का कोट, किसका बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। अब इसी प्रोटीन कोट को हम लोग कहते हैं कैप्सिड, क्या कहते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैप की तरह काम करता है, इसलिए कैप्सिड बोलते हैं। अब जो ये कैप्सिड होता है, ये बहुत सारी कैप्सोमियर यूनिट से मिलकर बना होता है। जो आपको ये लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर में बहुत सारी पतली 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 बहुत सारी हजारों लेयर होती हैं, जिन लेयर को बोलते हैं हम कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, और इन्हीं कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है कैप सिड, और यही कैप सिड क्या कहलाता है, प्रोटीन का कोट कहलाता है, जो वास्तव में किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। अब यहां को पता हो गया कि वायरस में डीएनए या फिर आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड में, यहां न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा।
और ऊपर से क्या होगा, प्रोटीन कोड। तो वास्तव में वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। यहीं पे जो जो वायरस है इतना ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और इसी से मिलकर बन एक इसी से ही साइंटिस्ट ने स्टडी की और निकाला बायरोइड। बायरोइड में सिर्फ इतना डिफरेंस है, वायरस में क्या है, प्रोटीन का कोट है और न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन बायरोइड में ओनली क्या है, बायरोइड में कुछ नहीं, केवल और केवल क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक वो भी मोस्टली क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है, केवल केवल आरएनए होता है। यही आरएनए जो होता है बायरोइड का निर्माण करता है, इसी को बोलते हैं। उसमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, वायरस में प्रोटीन कोट होता है। इसलिए एक पहली डिजीज निकाली गई जो हमको पता है, जो डिजीज इससे सबसे पहले जो डिजीज खोजी गई वो थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। ये पहली डिजीज थी जो बायरोइड द्वारा की गई थी, मतलब खोजी गई थी। डिजीज और भी की गई होंगी, लेकिन सबसे पहले इसी डिजीज का पता लगा था जो कि बायरोइड कॉज करता है। सो गाइस, अभी आज के लिए इतने ही इस क्लास में, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्या होता है। अगर आपको जहाँ भी समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमको बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।